इस ब्रजमंडल परिक्रमा के कार्यक्रम को प्रारंभ करने की प्रेरणा हमें श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की कृपा से प्राप्त हुई। इन्होंने केवल भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में ब्रज की महिमा एवं श्री राधा कृष्ण की उत्तमा भक्ति का प्रचार किया, जिसके लिए इन्होंने 32 बार विश्व भ्रमण भी किया। इन्होंने प्रतिवर्ष संपूर्ण विश्व के श्रद्धालु भक्तों को एकत्रित कर कार्तिक मास में 84 कोस ब्रजमंडल परिक्रमा का प्रारंभ कराया एवं 100 से अधिक गौड़िया ग्रंथों का प्रकाशन भी किया। भक्ति जगत में इन सब योगदान के कारण ब्रज के विद्वानों एवं संतों के द्वारा श्रील महाराज जी को युगाचार्य की उपाधि भी प्रदान की। श्रील गुरुदेव की हेतु की कृपा से जिस स्थान पर आज हम आकर उपस्थित हुए हैं, नंद गांव के अंतर्गत, इस स्थान का नाम है बैठन। बैठन यानी कि बैठक, बड़ी बैठान, छोटी बैठान। ब्रज में अनेक ऐसे स्थान है जहाँ पे बैठक है। बैठन मतलब एक ऐसा स्थान जहाँ पे सारे ब्रजवासी आके मीटिंग करते थे, एक बैठक बिठाते थे, उसको बोलते हैं बैठक। तो ब्रज में बहुत सारी बैठन है, जहाँ पे छोटा स्थान है वहाँ छोटी बैठन, जब बड़ा स्थान है वो बड़ी बैठक। तो यहाँ पे एक बैठक बैठी थी, जब भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन तक गिरिराज गोवर्धन को धारण किया, उसके 7 दिन के बाद गिरिराज जी की पूजा करी। अब गिरिराज जी की पूजा के बाद जितने भी ब्रजवासी हैं, वो सब के सब ब्रजवासी नंद बाबा को बुलाया इस बैठक में, और इस बैठक के सभापति बने थे उपानंद, जो कि नंद महाराज जी के बड़े भाई लगते हैं। और इस बैठक का विषय था नंद महाराज जी को ये समझाना कि जो आपका पुत्र है कृष्ण, वो केवल आपका पुत्र नहीं, वो भगवान है। तो सब लोग बैठे और ये चिंता जताने लगे कि देखो, कृष्ण को अभी तक तो हम एक ब्रज का आम बालक समझते थे, लेकिन वो आम बालक नहीं है। उसने 7 दिन तक गिरिराज गोवर्धन को धारण किया और हम सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा, इसलिए कृष्ण जो है वो साधारण बालक नहीं है, वो स्वयं भगवान है। और उसके बाद उसने पूतना को मार दिया, त्रिणावत को मार दिया, और कितने कितने असुर आए, सबको वो मारता गया। तो इसलिए कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है। ये बैठक का विषय था। अब जब सारे गोप लोग इस बात, ये सारा जो सारे गोप लोगों ने जब ये बात नंद महाराज जी को बताई, तो नंद महाराज जी तो ठेके मार मार के बड़ा तेज तेज की हंसने लगे। कह रहे हैं, मैंने सच सुना है कि जो गोप होते हैं ना, गोप गाय की सेवा करते करते उनकी जो बुद्धि है वो कैसी हो जाती है, पशु जैसी हो जाती है। कह रहे हैं कि 80 साल की तुम्हारी उम्र हो चुकी है, इतने बड़े बड़े गोप हो और तुम कैसी बच्चों वाली बातें करते हो। तो नंद महाराज जी हंसते हंसते ठेका मार के बोलने लगे, क्या तुम उसको भगवान बोलते हो? अरे तुम्हें अभी कुछ पता ही नहीं है, वो कोई भगवान नहीं है। एक बात बताओ, भगवान को क्या भूख लगती है? भगवान को क्या प्यास लगती है? आसपास की जो पड़ोसी गोपियां हैं उसको चुल्लू भर छाछ पे नचाती है, चुल्लू भर मक्खन पे नचाती है, और वो नाचता है। और अगर उसको मक्खन ना मिले, दही ना मिले, तो क्रोध में आ जाता है। जब सुबह नंद महाराज जी उसको बोलते हैं, जाओ मेरी चरण पादुका लेके आओ, तो कृष्ण घुटमन घुटमन छोटे से चलते हुए चरण पादुका को अपने सर पे रख के लेके आते हैं। अरे वो क्या गिरिराज गोवर्धन उठाएगा? नहीं नहीं, कृष्ण कोई भी भगवान नहीं है। हाँ, बस मैं ये चाहता हूँ कि उसकी जो चंचलता है धीरे धीरे ख़त्म हो जाए और वो बड़े होके एक आदर्श व्यक्ति बने, लेकिन वो भगवान नहीं है। उसके बाद नंद महाराज जी ने उन सबने बोला, अगर वो भगवान नहीं है तो गिरिराज जी को कैसे उठाया, हमने तो अपनी आंखों से देखा। तो नंद महाराज जी बोले, देखो तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार हो रहा था, तो उस समय गर्गाचार्य जी ने एक बात बोली थी, क्या? नारायण सम गुणा, ये भागवत में शब्द है। इसके जो गुण है वो नारायण के समान है। नारायण नहीं है ये, लेकिन इसके गुण नारायण के समान है। तो ब्रजवासी इसी बात से समंजस्य कर लेते हैं कि हाँ हाँ, कभी कभी जब कृष्ण कोई ऐसी अलौकिक लीला करते हैं, जैसे कालिया के फंड पर नृत्य किया, केशी को मारा, केशी दैत्य को मारा, अगसुर को मारा, बगसुर को मारा, तो सब लोग ये सोच लेते हैं कि हाँ हाँ, कभी कभी इसके अंदर नारायण के कुछ गुण आ जाते हैं, लेकिन ये तो है हमारा ब्रज का बालक ही। तो ब्रज में जो कृष्ण का ऐश्वर्य है, ये भी तो एक ऐश्वर्य है, गिरिराज गोवर्धन को धारण कर लिया, तो ऐश्वर्य जो है वो माधुर्य को ढक लेता है। क्यों? अगर ऐश्वर्य ज़्यादा प्रकाशित हो जाएगा तो वहाँ माधुर्य नहीं रहता। जैसे जब भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया, विश्व रूप दिखाया, तो अर्जुन का माधुर्य वहाँ पे क्या हुआ? संकुचित हो गया। अब उनका सखे भाव नहीं रहा, हाथ जोड़ के स्तुति गा रहे हैं, कहाँ तो उनके साथ एक शय्य पे सोते थे, अब कह रहे हैं प्रभु मेरे से अपराध हो गया, आपको मैंने अपना सखा मान लिया। तो ऐश्वर्य क्या करता है? माधुर्य को ढक लेता है। लेकिन ब्रज में उल्टा है। ब्रज में माधुर्य इतनी चरम सीमा पे है, इतनी चरम सीमा पे, कि भगवान जब भी अपना ऐश्वर्य दिखाने की प्रयास भी करते हैं, तो ब्रजवासियों का जो माधुर्य है वो उस ऐश्वर्य को ढक लेता है। इसको शिला गुरुदेव एक उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए एक बहुत बड़ा
100 लीटर का दूध का एक कढ़ाई है, उसमें 100 लीटर दूध आप गर्म कर रहे हो। अब उस दूध के अंदर एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया। अभी जो घास का तिनका उस दूध में गिर गया है 100 लीटर में, क्या दिखेगा? हाँ, कब दिखेगा? कभी कभी जब उबाला आता है तो वो तिनका ऊपर आता है और अगले ही क्षण फिर गायब हो जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर गायब हो जाता है। उसी प्रकार से ब्रज में जो भगवान कृष्ण का ऐश्वर्य प्रकाशित भी होता है, क्योंकि वहाँ पे माधुर्य की सीमा बहुत ज़्यादा है, तो उस इतनी बड़ी माधुर्य की सीमा में जहाँ ऐश्वर्य प्रकाशित भी होता है तो अगले ही क्षण वो लुप्त हो जाता है। जैसे भगवान कृष्ण ने मुख खोल के अपने मुख में क्या दिखाया यशोदा मैया को? अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखाए, और मैया देख रही है कि मैं भी उसी के अंदर हूँ, सारा का सारा विश्व ब्रह्मांड उसके अंदर है। ये भी तो कितना बड़ा ऐश्वर्य है। लेकिन इस ऐश्वर्य को देखने के बाद क्या यशोदा मैया ने माना कि वो भगवान है? नहीं। यद्यपि कुछ समय के लिए उनको चक्कर आ गए, लेकिन अगले ही क्षण क्या सोचा? इसको तो कोई भैया भूत लग गया होगा। तो सब ब्रजवासियों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, और कृष्ण का अभिषेक किया गऊ के मूत्र से। तो यहाँ पे गुरुजी बताते थे ऐसे कि अगर कृष्ण कभी अपना अगर ऐश्वर्य दिखाएंगे भी ब्रज में, तो ब्रजवासी क्या करेंगे? उनको ऐसे कर देंगे, उनके ऐश्वर्य को उल्टा छुपा देंगे। तो कृष्ण का जो ऐश्वर्य है वो ब्रज में नहीं चलता, क्योंकि यहाँ पे ब्रजवासियों का इतना माधुर्य है, इतना माधुर्य जिसमें कृष्ण भी भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूँ। कृष्ण अपनी भगवत्ता ही भूल जाते हैं। इसको बताया गया है ब्रज में तीन प्रकार से कृष्ण से संबंध है। क्या? सकल जगत मोरे करी वेदी भक्ति, वेदी भक्ति ब्रज भावे पाइते नैति शक्ति। सकल जगत भगवान की वेदी भक्ति करता है, यानी कि शास्त्र और शासन के भय से, यानी कि भगवान की उपासना करनी है, नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, नहीं तो वो हो जाएगा, भय से करते हैं। ये जो वेदी भक्ति है जिसमें विधि के अनुसार कृष्ण की पूजा करी जाती है, कह रहे हैं इस भाव से कोई भी ब्रज के भाव की भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। ब्रज का भाव कैसा है? मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति, ए भावे जेई मोरे करे शुद्ध भक्ति, अपना के बड़ माने आमा के समधीन, सेई भावे है आमी तार अधीन। कह रहे हैं ब्रज में तीन भाव है, कौन सा? मोर पुत्र, मोर सखा, मोर प्राणपति। ब्रज में कोई कृष्ण को अपना सखा मानता है, कोई कृष्ण को अपना प्राणपति मानता है जैसे गोपियां मानती है, नहीं तो कोई कृष्ण को अपना पुत्र मानता है जैसे यशोदा मैया नंद बाबा। तो ब्रज में केवल ये तीन संबंध है, सखा, पुत्र या फिर प्रिय प्रियतम का। इस भाव में क्या होता है, सख्य भाव में क्या होता है? सख्य भाव में कृष्ण और कृष्ण के सखा एक दूसरे के साथ समभाव हो गया, यानी कि तुम हमसे बड़े सोड़ी ना हो, तुम ही आमार सम, तुम हमारे समान हो, ये हो गया समभाव। लेकिन सखे भाव से एक बढ़कर और जो भाव है उसको बोलते हैं वात्सल्य भाव, जिसमें कृष्ण को आप अपना पुत्र मान लेते हो। अब क्या हो गया, माता पिता बड़े हो गए, कृष्ण छोटे हो गए, माता पिता बड़े हो गए, कृष्ण छोटे हो गए, इसका मतलब अब उनके अंदर ये भाव आ गया लालन पालन का, कि हम कृष्ण का लालन पालन करेंगे, कृष्ण हमारा थोड़ी ना लालन पालन करेगा। लेकिन जो कृष्ण को अपना प्रभु मान रहा है और खुद दास है, इसमें क्या हो गया कि अरे भगवान बड़े हैं, मैं तो उनका दास हूँ, वो मेरा लालन पोषण करेंगे। तो ये जो दास वाला भाव है वो ब्रज में नहीं चलेगा। ब्रज में कौन सा भाव चलेगा? सखे वाला, यानी कि कृष्ण हमारे सम है, हमारे से बड़ा नहीं है। दूसरा भाव जो ब्रज में है वो है वात्सल्य भाव, जिसमें कृष्ण से भी बड़े हो जाते हैं, अपना के बड़ माने आमा के समाधीन, जिसमें माता पिता अपने आप को बड़ा मानते हैं, कृष्ण को अपने अधीन मानते हैं। से ही भावे, उसी भाव से है आमी तार अधीन, उसी भाव से तो कृष्ण उनके अधीन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब कृष्ण जानते हैं कि मेरा लालन पोषण इन्होंने ही करना है, जैसे मुझे खिलाएंगे वैसा खाऊंगा, जैसा रखेंगे वैसा रखूंगा। तो भगवान अपनी भगवत्ता भूल के वहाँ पे उनके पुत्र बन जाते हैं। एक और गुरुजी बात बताते थे कि कृष्ण भगवान को डर लगता है, अरे कहीं अगर यशोदा मैया को पता चल गया कि मैं भगवान हूँ तो वो मुझे क्या करेंगी, जैसे सब दुनिया करती है, मंदिर में जाके बंद कर देगी, सुबह एक बारी आरती उतारेगी, शाम को आरती उतारेगी, बस जयराम जी की कहानी ख़त्म। तो कृष्ण को डर लगता है कहीं इनको ये ना पता चल जाए कि मैं भगवान हूँ। तो ये दो भाव, और तीसरा भाव जो है वो है प्रिय प्रियतम का श्रृंगार रस, जिसको मधुर रस भी बोलते हैं। ये जो प्रिय प्रियतम का भाव है, इसके अंदर गोपियाँ अपने सर्व अंग से कृष्ण की सर्व अंगमयी सेवा करती हैं, वो केवल ब्रज में ही संभव है। तो ब्रज में ये तीन भाव है, सख्य, वात्सल्य और मधुर भाव। तो इसलिए ब्रज में कोई कृष्ण को भगवान नहीं मानता। तो हम यहाँ पे क्या प्रार्थना करें, हम यहाँ पे प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार से ब्रज का जो भाव है, जो हमें हमारे गुरुवर देने आए हैं, किसी प्रकार से हमें ये ब्रज भाव हमारे हृदय को स्पर्श हो जाए, और जो हम कोटि कोटि जन्मों से और हम जो कोटि कोटि जन्मों से अनेक ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं, हमारा भ्रमण का विश्राम हो
और हमें ब्रज की धूली में स्थान मिले। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।